हेलो हाँ बोलो उमंग, मैं आपको इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। आप मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? यार, पागल हो? जब एक बार मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ, समझ जाओ ना, इंसान बिजी है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है नहीं है तुम्हारे अंदर। जब एक बार कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ, करे जा रही हो, पागल हो, बेशरम हो, कौन हो तुम? जब कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो बार बार कॉल कर क्यों रही हो तुम? उमंग, मुझे बात करनी है आपसे, इसी वजह से मैं कॉल कर रही हूँ आपको बार बार। तो यार, जब एक बार में कॉल रिसीव नहीं हो रहा तुम्हारा, तो समझ जाओ ना, बिजी हूँ। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी फ्री होऊंगा कॉल कर लूंगा। बार बार कॉल करके डिस्टर्ब क्यों कर रही हो यार? उमंग, इतना कितना बिजी हो कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद कॉल तुम मेरा रिसीव करोगे? मैं तो आपका कॉल तुरंत रिसीव करती हूँ, और आप मेरा कॉल रिसीव करने में इतना टाइम लगा दोगे, 2 दिन 4 दिन? रियली रियली तुम मेरा कॉल तुरंत रिसीव करती हो? खुद से एक बार पूछो, खुद से पूछ लो ये बात। उमंग, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़े टाइम पहले बहुत ज्यादा बिजी थी, आपसे कॉल पे बात नहीं कर पाई थी, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी, बट उमंग, उस बात को अब भूल जाओ ना। अब तो मुझसे बात कर लो ना। उस टाइम पे मेरी स्टडी थी, तुम्हें खुद भी पता है कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, और एग्जाम का कितना ज्यादा प्रेशर होता है। अब तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? 1 मिनट, प्रेशर एग्जाम का ही होता है। मेरी पर्सनल लाइफ का प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, मैं जॉब करता हूँ उसका प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के तुम्हें टाइम देता था, लेकिन तुमने क्या किया? हर बार बिजी। अबे ठीक है, तुम्हारे एग्जाम है समझ सकता हूँ, एग्जाम के बाद दोस्तों के साथ बिजी, यहाँ वहाँ बिजी, तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि उमंग से बात करनी है? उमंग, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैं दोस्तों में ज्यादा बिजी हो गई थी, स्टडी में ज्यादा बिजी हो गई थी, आपको बिल्कुल थोड़ा भी टाइम नहीं दे पा रही थी, उस बात के लिए मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब आप मुझे इतना इग्नोर मत कीजिए। ऐसा है, मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं बात कर लेता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और जब टाइम मिलेगा मैं बात कर लूंगा ना। ऐसे बार बार मुझे कॉल मैसेज वगैरह मत करो, ठीक है? खून तो पियो मत मेरा, मेरी लाइफ में हो अगर ज्यादा ही तुम्हें हो रहा है। बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा बॉयफ्रेंड बना लो, सिंपल सी बात है। उमंग, ये कौन सी बात होती है कि दूसरा बॉयफ्रेंड बना लो? अब मेरे लाइफ में इतना भी हक, तुम्हारी जिंदगी पे मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करके बात करने के लिए बोल सकूँ? इतना भी हक नहीं बचा है अब मेरा? यार फालतू की बातें क्यों कर रही हो? हक नहीं बचा, ये नहीं बचा, वो नहीं बचा, सिंपल सी बात है, मैं बिजी हूँ। अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ भाई बहुत टाइम चाहिए तुम्हें, 2 घंटे 3 घंटे कोई तुमसे बात करे, प्यारी सी बात करे, तो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लो। वैसे तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है यार? वैसे तुमने मुझे इग्नोर तो किया ही है ना, 2 2 3 3 दिन हो जाते हैं, तुमने एक मैसेज तक नहीं किया, इतना तो इग्नोर किया ही है ना, तो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लो, ये क्या बड़ी बात है यार? उमंग, तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया, बट तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। उस टाइम पे मैं किस सिचुएशन में थी? मेरी स्टडी का मेरे पर इतना ज्यादा प्रेशर था, लास्ट ईयर के एग्जाम है, अच्छे गए नहीं गए तुमने कुछ नहीं पूछा, बस तुमने मुझे इग्नोर मारना चालू कर दिया। लास्ट ईयर के एग्जाम सिर्फ तुम्हारे नहीं हुए थे, और एग्जाम टाइम में तुम्हें टाइम दिया था, बट तुम एग्जाम के बाद दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। वो भी जरूरी था जाना, वो भी जरूरी होगा ना, क्योंकि एग्जाम के बाद दोस्तों के साथ तो घूमना जरूरी है, वरना नंबर अच्छे नहीं आते, है ना? रात भर अपने दोस्तों से बात कर सकती हो, लेकिन मेरे से 5 मिनट बात कर नहीं कर सकती। क्यों? दोस्तों से बात करोगी तो नंबर अच्छे आएंगे, मुझसे बात करोगी तो नंबर कहाँ अच्छे मिलेंगे, जाना फेल हो जाओगी, है ना? उमंग, जब आप अपनी जॉब में बिजी होते हो, या फिर आपको कुछ घर का काम होता है, किसी भी चीज में तुम बिजी होते हो, तो मैं तो तुमसे ये नहीं बोलती हूँ कि तुम बिजी हो मुझसे बात करो, नहीं मुझे तुमसे बात करनी ही करनी है, तुम अपने सारे काम छोड़ दो मुझसे बात करो, मैंने तो तुमसे कभी ऐसा नहीं बोला। और अब मैं थोड़े दिन बिजी क्या रह लूँ, और तुम मुझे टोन मार रहे हो अब? देखो सिंपल सी बात है, मुझे फालतू तुमसे कोई बहस तो करनी नहीं है। इन शॉर्ट, तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे टाइम चाहिए ना? मेरे पास टाइम नहीं है। अब बताओ क्या करना है? ब्रेकअप करना है, कर लो ब्रेकअप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब तुम मेरी जिंदगी में रहो या ना रहो। अब तुम बोलो मेरा मन भर गया, तो हाँ सही बात है, मेरा तुमसे मन भर गया, सिंपल सी बात है। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तुम्हारा मन भर गया? जान प्यार सिर्फ मैं करूं, तुम कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही करूं, है ना? सभी बातें, सारी गलती मेरी है ना, जो भी अगर मैं कर दूं वो गलत, जो तुम कर दो वो सही हो जाता है। उमंग, मैं कब बोल रही हूँ कि जो मैं करती हूँ वो सही होता है, तुम जो करते हो वो गलत होता है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ उमंग, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, उन सब बातों को भूल जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेकअप ब्रेकअप सब छोड़ दो ना, तुम मुझे छोड़ के खुश रह लोगे? हाँ ऑब्वियसली, इतने दिन अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था कि मैं दुखी था, इतने मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था कि मैं दुखी था, नहीं ऑब्वियसली यार मैं तुम्हें छोड़ के खुश रहूंगा, बल्कि सॉरी खुश नहीं रहूंगा, खुश से भी ज्यादा खुश रहूंगा। तुमसे दूर हो गए ना, बहुत सुकून मिलता है मुझे, और तुम्हारे पास रह के एक इनसिक्योरिटी, एक घुटन महसूस करता हूँ मैं, हर टाइम इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि अरे यार अब क्या होगा, अरे यार अब क्या होगा, और जब तुमसे दूर होता हूँ ना, एक खुशी मिलती है मुझे। इस इनसिक्योरिटी में नहीं जीना, मुझे एक खुशी में जीना है, ठीक है? उमंग, तुम मेरे संग खुश नहीं हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम मेरे संग रह के इनसिक्योरिटी फील करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी क्या होगा, अब क्या बोलेगी, तुम ये सब फील करते हो मेरे साथ रह के? तो और क्या करूँ, तुम यार मुझे टाइम ना देके अपने दोस्तों को टाइम दे रही हो, और मैं क्या करूं? तुम मुझसे बात ना करके अपने दोस्तों में बात कर रही हो, और मैं क्या करूं?
मतलब हर टाइम तुम्हें अपने दोस्त पहले दिखे, हर टाइम तुम्हें फैमिली दिखी, चलो कोई बात नहीं फैमिली फैमिली है, लेकिन तुम्हारे दोस्त दिखे, तुम्हें घूमना दिखा, तुम्हें हर एक चीज दिखी पहले, मैं कभी नहीं दिखा। और आज जब मैं छोटा सा इग्नोर कर रहा हूँ तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, तुम्हारी आंखें रोने लग रही हैं, लेकिन जब तुम मुझे इग्नोर कर रही थी तब दिल नहीं रोया तुम्हारा। उमंग गलती हो गई, उन सब बातों को भूल के आगे बढ़ते हैं ना, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, कभी भी आपको इग्नोर नहीं करूंगी। आपको ऐसा लग रहा है मैंने इग्नोर किया, बट मैंने आपको इग्नोर नहीं किया, पढ़ाई थी फिर उसके बाद। हाँ मेरी गलती है कि मैं फ्रेंड्स के संग घूमने चली गई, मैंने आपको टाइम नहीं दिया, उस बात के लिए सॉरी। उस बात को भूल जाते हैं जान, इट्स ओके। बात सिर्फ फ्रेंड की नहीं है कि तुमने दोस्तों के साथ घूमने गई, उसकी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बात बताऊँ क्या है, तुमने दोस्तों के साथ रह के ना मेरे कभी कॉल तक रिसीव नहीं किया, एक मैसेज तक सीन नहीं किया, लेकिन मेरे साथ रह के अपने दोस्तों के कॉल जरूर रिसीव किए हैं, उनके मैसेज जरूर सीन किए हैं, और आज तुम्हें पछतावा हो रहा है कि नहीं यार वो मेरी गलती थी। कभी सोचा है उस टाइम मुझे कितना हर्ट होता होगा, कभी सोचा है कितनी तकलीफ हुई होगी उस टाइम मुझे, जब हम दो दो साल बाद मिलते थे और तुम उसमें भी अपने दोस्तों के मैसेज चेक करती थी, उनके कॉल रिसीव करती थी, उनसे आधा आधा घंटा बात करने बैठ जाती थी, और मैं पागलों की तरह एक साइड में बैठा रहता था। कभी सोचा है कितनी तकलीफ होती होगी उस टाइम मुझे, कितना दर्द होता होगा उस टाइम मुझे, कभी सोचा है इस बात को कि जब दो दो साल बाद हम मिल रहे हैं, साला इतने लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं, उसमें भी तो हमने दोस्तों में बात कर रही हो आधा घंटे और मैं फालतू बैठा हूँ, कभी सोचा है इस बात को? सोचोगी ना तो आंखें भर जाएंगी, रोना आ जाएगा सिचुएशन को जब सोचोगी। अगर मैं ऐसा तुम्हारे साथ करता, तुम एक साल बाद मुझसे मिल रही हो, दो साल बाद मिल रही हो, और मैं अपने दोस्तों में बात करूँ, तुम्हें टाइम ना दूँ, रोना आ जाएगा तुम्हें सोच के। उमंग मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैंने उस टाइम पे बहुत सारी गलतियाँ करी, पर आप भी तो मुझे उस टाइम पे टोक सकते थे। आज आपने तब से मुझे एक बार भी नहीं बोला, आज आके इतनी सारी बातें बोल रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। उमंग माफ कर दो ना उन बातों के लिए, आगे से कभी भी नहीं होगा ऐसा, प्लीज उमंग माफ कर दो मुझे। रियली जान मैंने कभी नहीं बोली, रियली मैंने वो बातें कभी नहीं बोली। जब भी तुमसे वो बातें बोलता था तब तब याद है हमारी लड़ाई होती थी, और तुम क्या बोलती थी, उमंग यार दोस्त भी तो जरूरी है, दोस्त भी तो जरूरी है। अरे यार मैं मानता हूँ दोस्त जरूरी है, और मैंने यूँ यूँ बोलता हूँ कि मेरे साथ रिलेशन में हो तो सारी दोस्ती तोड़ दो, बट जान अगर हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है मुझे टाइम दो अपने दोस्तों छोड़ के? उमंग आप जब बिजी होते थे तब भी तो मैं आपसे नहीं कहती थी कि आप बिजी क्यों हो, मुझसे बात करो, तब भी मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी, आप कहते थे कि मैं बिजी हूँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं चुपचाप से फोन कट कर देती थी। जब आप फ्री होते तभी मैं आपको कॉल करती थी। अब हो गई ना सारी गलतियां, उन बातों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं या फिर उन्हीं बातों को पकड़ के रहना है अब आपको? जान बात यहाँ बिजी तो आई नहीं रही, मुझे इतना बता दो अगर मैं एक साल बाद दो साल बाद तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तुम उस टाइम को अपने दोस्तों में दे रही हो, मेरे से बात नहीं कर रही हो, मैं पागल हुई था वहां पे बैठा हुआ हूँ, वो बात सही है? रियल में तुम्हें लगता है वो सही था? मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई है, बट उस बात के लिए मैं माफी मांग रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना कि आगे से कभी भी नहीं होगा, आगे से मैं आपको ही पूरा टाइम दूंगी। उमंग थोड़ा सा मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम्हें पता चल गई हाँ मेरी गलती थी, ये था वो था, उमंग गलत है, ये सब है, तुम्हें इतनी तकलीफ होने लगी, तुम इतने टाइम से मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझे तकलीफ हो रही थी, उसका कभी कुछ नहीं है ना, लेकिन तुम्हें मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया, तुम्हें तकलीफ होने लगी अंदर से, है ना? उमंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ यार, मैं कितना भी अपने फ्रेंड्स को टाइम दे दूँ, कितना भी अपनी स्टडी में बिजी रह लूँ, पर प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना उमंग। रियल में जान ऐसा अगर मैं तुम्हारे साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता, सिर्फ इतना बता दो। बुरा लगता? नहीं, कितना बुरा लगता? बहुत बुरा लगता, मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता, मैं भी जानती हूँ कि आपको भी बहुत बुरा लगा, आपके दिल को ठेस पहुंची है, बहुत ज्यादा बुरा लगा है उमंग, प्लीज माफ कर दीजिए उस बात के लिए। हाँ तो जान मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ ना ही तुमसे नाराज हूँ, बस मैं सिंपल सा कह रहा हूँ जब मेरे पे टाइम होगा मैं तभी बात करूंगा, मेरे पे टाइम नहीं होगा मैं बात नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, जब जब मेरे पे टाइम होगा मैं तभी बात कर पाऊँ, टाइम नहीं होगा मैं बात नहीं करूंगा, बस बात खत्म। पहले हमारे रिश्ते में कोई टाइम लिमिट होती नहीं थी, हम जब भी चाहे कॉल करें जब भी चाहे बात करें, और आज हमारे रिश्ते में टाइम लिमिट भी आ गई। जान पहले कभी आप कॉल करते ही नहीं थे ना, जब भी मैं कॉल करता था तब बात होती थी, जब मैं बात करता था तब बात होती थी, वरना आप तो कभी कॉल करते ही नहीं थे, ना कॉल ना मैसेज आपकी तरफ से कब आया बता दो जान, हर टाइम आपने इग्नोर किया है, और आज थोड़ा मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो इतनी तकलीफ हो रही है ना, अब पता चल रहा है जब कोई सामने वाला इग्नोर करे तो कैसे तकलीफ होती है। उमंग कॉल चाहे आप करो चाहे मैं करूँ, दोनों की कोई वो बात नहीं है कि हम दोनों में से कोई भी कॉल कर सकता, बट बात तो हम दोनों की हो रही है ना। ओ रियली जान, ठीक है फिर तो एक काम करते है ना, तुम मुझे कॉल करो मैं तुम्हें कॉल करूँ, क्या फर्क पड़ता है? उमंग चाहे आप कॉल करो चाहे मैं कॉल करूँ, बात तो एक ही है ना, हम दोनों की बात तो होगी ना, ये मैटर नहीं रखता कि आप कॉल कर रहे हो या फिर मैं कॉल कर रही हूँ, मैटर ये रखता है कि हमारी बात हो रही है, हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। उमंग अरे मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बाय। उमंग सुनो, बाय बाय बाय। उमंग मेरी बात तो सुनो, बात नहीं करनी, बाय। ओके बोलो क्या बोलना चाह रही हो?
आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, लास्ट चांस दे दो, मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ यार, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। जान मैंने ऐसा तो बोला नहीं, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, बस मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, जब मेरे पास टाइम होगा तब टाइम दूंगा, जब मेरे पास टाइम नहीं होगा टाइम नहीं दूंगा, बात खत्म। अब मुझे काम है, मैं फोन रिसीव नहीं करूंगा, मुझे फोन रिसीव मत करना, मैं फोन कट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करना, वरना नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा बेकार में। मेरी एक बार बात तो सुनो, नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होगा, तुम्हारे दिल से भी निकल जाऊंगी मैं, तुम मुझे भुला दोगे इतनी जल्दी? मुझे इन फालतू की बातों पे अब कोई चर्चा नहीं करनी, बाय। मतलब अब हमारे रिश्ते की बातें फालतू बातें हो गई, मतलब छोटी सी आपने किया है सब, मैंने नहीं किया है, इग्नोर आप करते थे, मैं नहीं करता था, तकलीफें मुझे होती थी उस टाइम, आपको नहीं होती थी, आप तो खुश रहते थे अपने दोस्तों के साथ, आपको कभी इतना नहीं हुआ कि यार हमारी बात नहीं होती बात कर ले, नहीं कभी आपको इतना नहीं हुआ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थोड़ी देर कॉल कर लूं मैसेज कर लूं, कभी नहीं हुआ, तकलीफ उस टाइम मैंने सही है, इसलिए बाय, मुझे अब कोई बात नहीं करनी इस बात पे, बाय, मानती हूं उमंग, बाय, टेक केयर, मेरी बात तो सुन लो, मुझे प्लीज दोबारा कॉल मत करना, मेरी एक बार बात तो सुन लो, जब फ्री होऊंगा खुद कॉल कर लूंगा, बाय, मेरी बात तो सुन लो।